हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गोल कॉलर बनाने के लिए, यानी कुर्ती में गोल कॉलर बनाने के लिए हमने यहाँ पेस्टिंग लिया है। ये देखिए, इसको दो फोल्ड में हमने इस तरीके से फोल्ड कर दिया है। अब इसकी लंबाई गुड़ाई बता देते हैं। ऐसे में हमने 9 इंच लंबाई लिया है डबल फोल्ड में, और ऐसे में चौड़ाई हमने 8 इंच लिया है। इस तरीके से हमने इसको फोल्ड कर लिया है। इसके बाद जहाँ जिस गले में हमें उसको बैठाना है, यानी कॉलर लगाना है, उस गले का ऐसे इस तरीके से करके हम पहले नाप ले लेंगे कि कितना इंच का हमारा गला तैयार आएगा। तो यहाँ से हमने डबल फोल्ड पर ऐसे करके इस तरीके से हम नाप ले लेंगे। तो यहाँ तक आया हमारा 9.7 पॉइंट, यानी 19.5 इंच इसका गले का पूरा लंबाई है। और पीछे वाला पार्ट है 3 इंच, यानी दो फोल्ड पर। तो ये टोटल मिलाकर 6 प्लस आधा इंच सिलाई के लिए 6.5 इंच पीछे का है। तो उसका हाफ हो गया 3.25। यहाँ जो बंद वाला भाग है, यहाँ से हमें रखना है ऐसे 3.25 पे, ऐसे बिल्कुल सीधा सीधा निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी देख लेते हैं। 5 इंच आया है, तो यहाँ इधर से भी हम 5 इंच ऐसे रख लेंगे और इसे इस तरीके से गोलाई में किसी के सीध में मिला लेंगे। तो ये देखिए, हमने गोलाई लगा रखा है यहाँ तक। अब यहाँ से हम नाप लेंगे। ये बाहर का हमारा 19.7 पॉइंट आना चाहिए, उतना लंबा हमें गोलाई में करना है, 9.7 पॉइंट। तो यहाँ तक तैयार है। अब इसके नीचे में नहीं ले जाना है। इसके अंदर से हमें 1.25 इंच चौड़ाई देख करके इसकी चौड़ाई रखना है 1.25 इंच का। आप चाहें तो अगर ज़्यादा चाहिए तो 1.5 इंच या 2 इंच भी रख सकते हो। यहाँ हमें 1.25 इंच का चौड़ाई ले रहे हैं। अब इसकी भी हम दूरी नाप लेंगे। पहले इसको गोलाई बना लेते हैं। अब अंदर की भी दूरी हम नाप लेते हैं। हमारा गला तैयार है 14 इंच, तो 7 आना चाहिए इसको, 4, 5, 6, 7। तो ये देखिए 7, और प्लस 2 पॉइंट हम सिलाई के लिए ले रहे हैं 7.25। तरीके से देखिए गोल कॉलर की कटिंग की जाती है। अब यहाँ से हमें ऐसे गोलाई कर लेना है, यहाँ ऊपर वाले भाग में ऐसे गोलाई ले लेना। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये इसका सेंटर पॉइंट है, यहाँ पर हल्का सा कट का निशान लगा ले रहे हैं, और यहाँ से फिर इसके अंदर से चौड़ाई वाला भाग कटिंग कर रहे हैं। अब यहाँ से गोलाई वाला भाग काट लेंगे ऐसे। तो ये देखिए, इसकी कटिंग हो गई। हम इसे ओपन करके दिखा दे रहे हैं। तो इस तरीके से इसकी ये कटिंग, ये देखिए बनने की, कटिंग करने के बाद इस तरीके से आया, और ये बनने के बाद उसमें ज्वाइन करने के बाद कुछ इस तरीके से इसका डिज़ाइन बन के रेडी होगा। ये देखिए, ये गोल कॉलर बन के रेडी होगा। तो ये देखिए, ये इससे लगभग 2 इंच अधिक लंबा और 2 इंच अधिक चौड़ा, इस तरीके से हम कपड़े को हम कट कर रखे हैं। ये दो फोल्ड में है, तो इसको कट करके हम अलग कर ले रहे हैं। एक ही हमें कपड़ा पहले लेना है। अब इसे साइड से चढ़ा के इसकी सिलाई कर लेनी है। तो इसके पहले यहाँ से हम इसके गोलाई में इसकी कटिंग कर लेते हैं दोनों साइड से। ये देखिए, हमने इधर से और इधर से गोलाई कर लिया है। 2-3 जगह गोलाई में यहाँ पर हमने कट लगा रखा है, ताकि अच्छे से ये गोलाई में फोल्ड हो जाए।
अब इसको इसके ऊपर ऐसे हमें चढ़ा करके ऐसे यहाँ से सिलाई लगानी है। ये देखिए मैं एक सिलाई लगा रखा है, अब इसके नीचे एक दूसरा वाला कपड़ा रखेंगे और इसके ऊपर इस तरीके से इसको रखेंगे और यहाँ पिन लगा लेंगे। पिन इसलिए लगाते हैं कि कपड़ा हमारा खिसके ना। अब यहाँ से हमें सिलाई लगानी है तो ये ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हम जूम कर दे रहे हैं, ये जो सिलन है हमको यहाँ से सिलाई लगानी है, इसके ऊपर नहीं जाना है लेकिन इसके दूर भी नहीं जाना, इससे इसी के साइड में ऐसे सिलते हुए पूरी सिलाई लगा लेनी है। देखिए इसकी सिलाई हो गई, अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। हाफ इंच यहाँ से छोड़ते हुए ऐसे इसकी हम कटिंग कर लेंगे। और यहाँ से भी हाफ इंच छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे नीचे से भी। तो ये देखिए इसका निशान लग चुका है, अब यहाँ से हम कट कर देते हैं, जो यहाँ से गोलाई वाला भाग है इस तरीके से पूरा हम कट कर देंगे जगह जगह, ताकि जब हम फोल्ड करें तो ये पूरी तरह फिनिशिंग के साथ उभर के कॉलर बैठ जाए। इस तरह से कट करके फोल्ड करने पर इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। ये देखिए अब इसको हम इस तरीके से ऐसे पलट के सीधा कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने फोल्ड करके सीधा कर लिया। अब यहाँ से किनारे से छोड़कर जैसे नीचे सिलाई में लगाया वैसे ऊपर भी पूरी सिलाई लगा लेंगे। कलर बनके रेडी हो गया है, ये लगाने के बाद कुछ इस तरीके से इसका जो है डिज़ाइन बनके तैयार होगा। तो ये देखिए इसका सेंटर पॉइंट है और ये इसका सेंटर पॉइंट है, दोनों को ऐसे हम फोल्ड करके यहाँ से यहाँ तक हम नाप ले रहे हैं, देखिए बराबर आ रहा है। अब इसको हम लगाना स्टार्ट करेंगे तो इसे जो है ऐसे उल्टे साइड हमें लगाना है, ऐसे जो हाफ इंच मार्जिन लिए हैं वहाँ से ऐसे यहाँ से हमें लगाना है। इसमें ज्वाइंट हो गया है, अब इसको यहाँ से ऐसे इसे अंदर करेंगे और इसके ऊपर से रखकर इस पर सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए ये इस तरह से हमारा गोल कॉलर लग के रेडी हो गया है।
अब इसको पानी का बूटा देकर के अच्छे से आयरन कर देंगे तो ये अच्छे से बैठ जाएगा। ये देखिए, देखिए कितना अच्छा से ये बैठ के रेडी हो गया है गला। तो वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।